हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर आइस नेटवर्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। दो नई अपडेट यहां पर आई है, साथ ही साथ जो क्वीज को लेके कुछ लोग अभी परेशान हैं या फिर जिन्होंने अभी तक ग्रीन टिक नहीं हासिल किया है, तो उनके लिए भी मैं एक सोल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर से बने रहेगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। फिलहाल आप देख सकते हो गाइस, इसका 24 आवर में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अचानक से बढ़ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 12 से 13% का प्राइस सर्ज भी देखने को मिला है। जहाँ पर ये 37 पैसे तक चला गया था, अभी ये 42-43 पैसे वापस से थोड़ा सा सर्च कर रहा है। हालांकि इतना भी करेक्शन नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं टीम की वजह से हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम उन्होंने ही बढ़ाया है। एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि कहीं ना कहीं एक धमाका था, कई लोगों को ये बुरी अपडेट भी लगी है गाइस। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रेंडिंग में भी आइस डिस्ट्रीब्यूशन और आइस नेटवर्क, ये दोनों हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। यही अपडेट के बाद ये सब होना शुरू हुआ है। अब इस अपडेट को हमने ऑलरेडी कल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या उनका इंटेंशन था और क्या क्या करना पड़ेगा अब कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए भी आपको 30% टैक्स या फिर जो डिडक्ट करवाने पड़ेंगे अपने कॉइन, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। लेकिन बात यह है कि जो 3 ट्रायल दिए गए हैं इन्होंने, जैसा कि आपको पता होगा, आपने ऐप के अंदर जैसे जाते हो तो आपके ऐप होम पेज पे आपको नज़र आ जाता है कि आपको क्विज देना है 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो उस क्विज को आप ट्राई ना करें सबसे पहली बात। तो ट्राई करने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, हालांकि मैं आपको वीडियो में लाइव नहीं बता रहा हूँ। कुछ वीडियोस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जहां पर आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, बट आप गूगल पर भी अगर सिंपली सर्च करोगे गाइस कि आइस नेटवर्क क्विज सॉल्यूशन, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मोस्टली जब मैंने इसको सॉल्व किया था, मुझे ऑलरेडी ग्रीन टिक मिल चुका है, तो डेफिनेटली आपको भी वो मिल जाएगा। आपको बस 35 से 40 क्वेश्चन ऑलरेडी नोट डाउन करने हैं, या तो आप किसी पेन पेपर लेके आप यूज़ करके 30-35 जो क्वेश्चन है उनको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, या फिर कुछ वीडियोस हैं जो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे गाइस, तो आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या क्या उनका आंसर रहने वाला है, ताकि आप पहले ही अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर दें। तो ये आपको तैयारी रखनी है। बाकी अगर हो सके तो 3-4 लोग साथ में मिलकर बैठ के करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी से उसको और काफ़ी अच्छे खासे तरीके से वो जो क्विज है आप उसको पास कर दो, बिकॉज आपके पास 3 ही ट्रायल है गाइस। अगर ये 3 ट्रायल आपने गवा दिए तो डेफिनेटली आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, और आपके जितने भी आइस माइंड कॉइन है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी वैल्यू वहाँ से नहीं मिलेगी। हालांकि ये थोड़ा सा डेंजरस सुनने में लगता है, बट कहीं ना कहीं अगर क्विज को भी अगर आप देखोगे तो इतना भी टफ नहीं है, काफ़ी आसानी से हर कोई उसको पास कर रहा है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ट्विटर पर DM कर सकते हैं, मैं भी आपको पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ, ओके। तो ये तो थी क्विज को लेके अपडेट। दूसरी अपडेट जो है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इनकी टीम थी, जो आई स्कोर टीम है, कहीं ना कहीं हमें उसके कम्युनिटी मैनेजर के बारे में तो पता है, बिकॉज उन्होंने एक ट्वीट किया था जहाँ पर ट्विटर स्पेस किया था, यूट्यूब पर भी उन्होंने एक वीडियो बनाया जो कि ये कम्युनिटी मैनेजर है इनकी टीम के अंदर। तो डेफिनेटली हम उनको जानते हैं और उनको हमने देखा हुआ है बाय फेस, हालांकि ऐसे पर्सनली तो कोई भी नहीं जानता है, बट कहीं ना कहीं अब ये कहीं ना कहीं उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो ट्वीट है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने पोल करवाया था 3 घंटे पहले, आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि क्यूरियस टू मीट द टीम बिहाइंड आइस नेटवर्क। अगर आपको मतलब चाहिए कि आप उनको जाने या उनसे मिले, तो आप चाहते हैं रिवील करें हम अपनी टीम को, या फिर वैसे ही अभी सीक्रेट बने रहने दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 से ज़्यादा वोट ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी 6 दिन और बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार वोट तो हो ही जाएंगे आराम से। तो ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि जो अपनी टीम है इनकी, आई इस नेटवर्क के पीछे जो टीम काम कर रही है, कोर टीम, उसके बारे में हमें पता चल जाए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ये हो जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, जिसका भी जो ओनर होता है या टीम होती है, अगर वो एनोनिमस हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं प्रोजेक्ट पर। जैसा कि अगर बिटकॉइन के केस में बात करें या फिर कुछ और प्रोजेक्ट हैं जैसा कि LUNC, जब तक ये कहीं ना कहीं एनोनिमस था तब तक वो अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला तो उसके बाद में थोड़ा सा उसमें गिरावट भी आई थी। कुछ भी हो सकता है, हालांकि आइस नेटवर्क काफ़ी नया है लेकिन काफ़ी जल्दी काफ़ी ऊंचाइयों तक ये पहुंच चुका है ऑलरेडी। जैसा कि अगर आप देखोगे तो आज ही पाई नेटवर्क का एक ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने सेलिब्रेट किया है अपने 3 मिलियन फॉलोअर्स को ट्विटर पे, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पास भी नहीं है, जो कहीं ना कहीं टॉप 20 में लैंड करते हैं। अगर आप देखोगे ग्लोबल क्रिप्टो में जितने भी क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट हैं, तो लगभग सभी जो टॉप 20 या टॉप 50 में भी रहते हैं, तो उनके पास भी इतने फॉलोवर्स नहीं है ट्विटर पर जितने पाई के पास है। और आइस को भी आप देखिए कितना जल्दी, जो पाई है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन आइस काफ़ी नया है और उसके बाद में सबसे उससे पहले लॉन्च भी हो चुका है, और कहीं ना कहीं आप देख लो 2.1 मिलियन फॉलोवर्स यहाँ पर इसके पास आ चुके हैं। तो कम्युनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो सेकेंड नंबर पर ये आ रहा है पाई के बाद में, अगर माइनिंग प्रोजेक्ट की स्पेशली बात करें तो।
फिलहाल कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो स्नो कॉइन था जो पोलिनियक्स एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था, तो वहाँ पर एक ट्रेडिंग कंपटीशन भी है। अगर आप थोड़ा बहुत स्पोर्ट ट्रेडिंग में वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो तो $12,000 का एयरड्रॉप आप उसमें से कुछ शेयर बना सकते हो अगर आप ये यूज़ करते हो तो। हालांकि मैं ऐसा कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं खुद इसको यूज़ तो नहीं करता हूँ, मैं मेटामास्क वगैरह पर ही रख सकता हूँ स्नो कॉइन जो कि ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं। तो आप चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो क्विज़ वाला है उसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा गाइज, और जैसे ही क्विज़ पास होगा ऑन द स्पॉट आपको ग्रीन टिक भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप में से किस किन किन लोगों को ग्रीन टिक मिल चुका है या किसी किन लोगों को नहीं मिला है तो वो कमेंट में येस और नो बता सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि दोबारा कब हमें किस चीज़ पर आइस पर बात करनी है नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक कर देना, नए हो विजिटर तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी नदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।